प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 10.2 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। पिछले वीडियोस में हमने प्रश्न संख्या 5 तक को हल कर लिया था। इस वीडियो में इसके आगे के प्रश्न हम करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 6 दे रखा है बच्चा, 150 व्यक्ति एक भवन का निर्माण 45 दिन में करते हैं, उसी भवन को 18 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो हमें एक सारणी बना लेनी है, यहाँ लिखनी है व्यक्तियों की संख्या और नीचे लिखेंगे यहाँ पे दिनों की संख्या। दे रखा है कि 150 व्यक्ति होते हैं तो 45 दिन में बनेगा, तो व्यक्तियों की संख्या की सारणी में लिखना है 150 और दिनों की संख्या की सारणी के नीचे यहाँ लिखना है 45। 150 व्यक्ति रहेगा तो 45 दिन में बनेगा। अब यहाँ दे रखा है कि 18 दिन हो, तो दिनों की संख्या में 18 लिख देंगे और यहाँ पे हमें ज्ञात करना है जिसे हम x लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डायरेक्ट गुना होगी, 150 की गुना 45 से बराबर होगा x की गुना 18 से, यानी 150 गुने 45 बराबर x गुने 18 होगा। यहाँ पे गुना कीजिएगा 150 को 45 से तो आएगा 6750 और यहाँ x गुने 18 होगा। ठीक है, 18 इधर गुना में है, इधर आएगा तो होगा भाग में, 6750 बट्टा 18 बराबर x, 18 का पहाड़ा में 6750 को काटेंगे तो ये कटेगा 375 बार में, यानी x का मान आ गया 375। 375 व्यक्ति 18 दिन में उस भवन को बनाएंगे, तो यहाँ x के जगह में 375 आया, यानी 375 व्यक्ति। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7वां दे रखा है, खाने की वस्तुओं का भंडार 250 व्यक्तियों के लिए 6 सप्ताह तक पर्याप्त है, वही भंडार 150 व्यक्तियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त होगा। फिर से यहाँ पे लिख लेंगे व्यक्तियों की संख्या और सप्ताह की संख्या, यानी 250 व्यक्ति रहेंगे तो 6 सप्ताह तक चलेगा, 150 व्यक्ति रहेंगे तो कितने सप्ताह तक चलेगा। या फिर 150 लिखेंगे, नीचे लिख देंगे y, 250 व्यक्ति रहेंगे तो 6 सप्ताह तक, तो 250 गुने 6 होगा बराबर 150 व्यक्ति रहेंगे तो कितने दिन तक, तो 150 गुने y होगा, 250 की गुना 6 से होगी तो 1500 और इधर 150 गुने y, 150 इधर गुना में है, यहाँ पे आएगा तो होगा बट्टे में, 1500 बट्टा 150 बराबर y, यहाँ काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 15 का पहाड़ा में 150 10 बार में, यानी y का मान आ गया 10, यानी 150 व्यक्ति रहेंगे तो 10 सप्ताह तक यह खाना चलेगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 8वां यहाँ दे रखा है, सोनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाती है, वह 20 मिनट में स्कूल पहुंचती है, यदि वह 16 मिनट में स्कूल पहुंचना चाहे तो उसे किस चाल से चलना होगा। फिर से सारणी बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे चाल और यहाँ लिखेंगे समय, वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है तो 20 मिनट में पहुँच रही है, तो चाल में लिखेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा और समय में लिखेंगे 20 मिनट, 16 मिनट में पहुँचना चाहे तो समय में लिखेंगे 16 मिनट, हमें चाल ज्ञात करनी है तो चाल को हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप वाई भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि मैं वाई लिख रहा हूँ तो आप वाई ही लिखो, आप यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हो बच्चा, यहाँ पर केवल मान लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे वाई मान लिया, आप यहाँ इसके जगह में एक्स भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, सारणी में आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे 8 × 20 होगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वह 20 मिनट में पहुँचती है, तो 8 × 20 होगा, यहाँ पे 16 मिनट में पहुँचना चाहे तो कितने चाल से चलना होगा, तो वाई गुने 16 होगा, 8 की 20 से गुना करेंगे तो 160 बराबर वाई गुने 16, अब यहाँ पे 16 गुना में इधर आएगा तो बट्टे में, 160 बट्टे 16 बराबर वाई, ये कट जाएगा 10 बारे में, यानी 10, तो कितने चाल से चलना होगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे चलना होगा। कई बच्चे बोल रहे होंगे सर यहाँ पे वाई नहीं होगा, यहाँ पर एक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप यहाँ पर एक्स भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, बी सी
अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर हैं आप कोई भी लेटर लिख सकते हो, हमें उस लेटर को नहीं ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सा क्या आएगा। तो यहाँ पे हमने अभी के लिए वाई मान लिया है। प्रश्न संख्या 9 दे रखा है, एक ठेकेदार एक पंचायत भवन 8 महीने में बनाने का ठेका लिया। ठेकेदार के पास 210 मजदूर थे, उससे 6 महीने में ही काम समाप्त करने के लिए कहा गया, तो उसे कितने और मजदूर काम पर रखने होंगे। यहाँ पे लिखेंगे सारणी में पहले मजदूरों की संख्या और नीचे लिखेंगे महीनों की संख्या। यहाँ पे है 210 मजदूर, तो 8 महीने में बन जाएगा, तो 210 मजदूरों की संख्या में लिखेंगे, महीनों की संख्या में 8 लिख देंगे। 6 महीने में ही काम समाप्त करना है, तो महीनों की संख्या में 6 लिख देंगे, हमें मजदूरों की संख्या ज्ञात करनी है, तो फिर से वाई मान लेंगे। अब 210 गुने 8 होगा बराबर वाई गुना 6 होगा। 210 की गुना 8 से करेंगे तो 1680, इधर वाई गुना 6 होगा। अब 6 गुना में इधर आएगा तो बट्टे में, यानी 1680 बट्टा 6 बराबर वाई। 6 का पहाड़ा में काट लेते हैं, 6 × 2 = 12, 13 × 14 = 15, 16 4 बच गया, 4 × 8 = 48 हो गया, 4 × 8 = 6, 8 × 48 0 × 0 यानी 280। तो कितने मजदूर लगेंगे, 280 मजदूर रहेंगे, तो 6 महीने में ही काम समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे चलिए हम करते प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न प्रश्नावली 10.2 का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न कहता है 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे फिर से सारणी बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ व्यक्ति और यहाँ दिन, 45 व्यक्ति 13 दिन, तो 45 ऊपर नीचे 13, उसी काम को 39 व्यक्ति, तो यहाँ 39 लिखेंगे, नीचे वाई लिख देंगे। यहाँ 45 × 13 होगा बराबर 39 × y, 45 × 13 से गुना करेंगे तो होगा 585 बराबर 39 × y, 39 इधर गुना में इधर आएगा तो बट्टे में, यानी 585 बच्चा 39 बराबर y, ये कट जाएगा 13 का पहाड़ा में, 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65, 3 का पहाड़ा में 45 कट जाएगा 15 बार में, तो y का मान आ गया 15, यानी 15 दिन लगेंगे, 15 दिन में 39 व्यक्ति उस काम को समाप्त कर देंगे। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर प्रश्नावली 10.2 के, इसी के साथ पाठ 10 समाप्त हुआ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।